हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग पर एंड फिजिकल फिटनेस पर, टीचिंग मेथड पर। ये पार्ट थर्ड है। ऑनलाइनर के माध्यम से मैं आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। डेली बेसिस वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों, BPSC TRE 3 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, MCQ क्वेश्चंस का आपका टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप BPSC TRE 3 में जो भी मैंने MCQ प्रैक्टिस कराया हुआ है वो सभी वीडियोज फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो और मैं जो डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ आपको रिवीजन के लिए, उसको भी प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करूँगी कि जो ही ए वन लाइनर खत्म होगा मैं MCQ फिर से आपको रिवीजन कराऊँगी। बट जो मैंने पहले रिवीजन कराया हुआ है TRE 2 के लिए, वो सभी वीडियोज का रिवीजन जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक। ये स्पोर्ट ट्रेनिंग का थर्ड वीडियो है। उसके बाद आपका स्पोर्ट मैनेजमेंट का वीडियो आएगा। तो चलते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन है? तो आपको हर वीडियो में बार बार रिवीजन हुआ है और बार बार एक ही टॉपिक, एक ही प्रश्न अगर रिवीजन होता है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो आप सबको पता है कि प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल 3 होता है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं या सबसे बड़ी ट्रेनिंग साइकिल होती है मैक्रो चक्र, जो 3 से 12 महीना या 1 साल या 365 दिन या 52 सप्ताह का होता है। उसके बाद दूसरा चक्र मध्यम चक्र होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह 3 से 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने, 1 से 1.5 माह या 30 से 45 दिन का होता है। इसे मासिक ट्रेनिंग चक्र, मासिक चक्र, अवस्थन चक्र, मध्यम समय अवस्थन चक्र भी इसको कहा जाता है। तीसरा चक्र होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे सूक्ष्म अवधि या कम समय का होता है, जिसे साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। ये सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। तो सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? माइक्रो चक्र, माइक्रो साइकिल। दूसरा है, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन होता है? माइक्रो साइकिल, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का। नेक्स्ट है, 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो माइक्रो साइकिल। नेक्स्ट दोस्तों, क्रियाशील लचीलापन यानी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेशी फ्लेक्सिबिलिटी किसके प्रकार हैं? ये दोनों प्रकार हैं लचीलापन के, फ्लेक्सिबिलिटी के। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी रेंज ऑफ मूवमेंट में जो वृद्धि होता है, व्यक्ति स्वयं द्वारा करता है बिना किसी वस्तु या बाहरी व्यक्ति की सहायता से। जबकि पेशी फ्लेक्सिबिलिटी में रेंज ऑफ मूवमेंट या लचीलापन में वृद्धि किसी वस्तु या व्यक्ति की सहायता से करता है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी, गति संचलन यानी स्पीड ऑफ मूवमेंट, त्वरण योग्यता यानी एक्सीलरेशन एबिलिटी, गामक योग्यता यानी लोकोमोटर एबिलिटी तथा चाल सहनशीलता यानी स्पीड एंड्योरेंस किस सारी क्षमता के प्रकार हैं? तो ये सभी प्रकार हैं गति यानी स्पीड के। यहाँ पे सहनशीलता एंड्योरेंस गलत दिया है, यहाँ स्पीड होगा यानी कि गति होगा, ठीक है। ये सभी गति के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी को विकसित करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो साधारण साधारण यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी में आपका होता है पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन मेथड एंड संवेदी विधि यानी कि संवेदी गामक यानी कि साइकोमोटर मेथड एंड सामान्य विधि यानी जनरल मेथड। जो आपका रिएक्शन एबिलिटी होता है 2 प्रकार का होता है, साधारण प्रतियोगिता योग्यता यानी कि सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, और दूसरा होता है जटिल प्रतियोगिता योग्यता यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो साधारण प्रतियोगिता योग्यता के अंतर्गत रिएक्शन मेथड यानी पुनरावृत्ति, सॉरी दोस्तों, रिपीटेशन मेथड यानी पुनरावृत्ति, अंश विधि एंड संवेदी गामक विधि यानी साइकोमोटर मेथड एंड सामान्य विधि आता है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट है,
गति योग्यता की जटिल प्रतियोगिता योग्यता यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी को विकसित करने की कौन कौन सी विधियां होती है, तो इसके अंतर्गत पूर्वानुमान यानी कि एंटीसिपेशन एंड अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है तेज गति से किसी चाल पुनरावृत्ति आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना एवं अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, यह सभी किसको विकसित करने के लिए कराया जाता है, तो दोस्तों यह सभी गति व चाल को विकसित करने के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट है स्पीड एंड्योरेंस को विकसित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो स्पीड एंड्योरेंस में रिपीटेशन मेथड एंड इंटरवल मेथड से स्पीड एंड्योरेंस गति सहनशीलता विकसित होती है। नेक्स्ट है विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है, तो इन्होंने जैसे कि समन्वय योग्यता 7 प्रकार का होता है तो उन्होंने 7 प्रकार का वर्णन किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया हुआ था ABCDRRO 7 प्रकार के जो है समन्वय योग्यता होते हैं। ए से एडाप्टेशन एबिलिटी, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, सी से क्यूपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन योग्यता, डी से डिफरेंशिएशन एबिलिटी यानी कि पृथक्करण योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी संतुलन यानी तालमेल योग्यता, रिदमिक यानी तालमेल दोस्तों, ठीक है, और फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी निर्धारण योग्यता। इसके बारे में डिटेल में थ्योरी सेशन पढ़ने के लिए इस पर ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजों का एक एक करके थ्योरी सेशन आप वहां पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, स्फूर्ति यानी एजिलिटी को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आयु कैसी है आपका, किस एज में है, मौसम कैसा है, थकावट का लेवल कैसा है। नेक्स्ट है आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्यता यानी कि फिजिकल फिटनेस को ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं, आपकी आयु, आपकी लिंग, शारीरिक बनावट, खुराक क्या खाते हैं, संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं, और मौसम कैसा है, गर्मी का मौसम है, सर्दी है, तो ये सभी प्रभावित करते हैं हमारे फिजिकल फिटनेस को। नेक्स्ट है खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत बल वह सहन शक्ति एवं तकनीक किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी गति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप एवं सामाजिकता को बढ़ाना एवं दमखम यानी स्टेमिना बढ़ना, ये सभी लाभ किससे प्राप्त होते हैं, तो ये सभी शारीरिक स्वास्थ्यता यानी कि फिजिकल फिटनेस से लाभ प्राप्त होते हैं। एक फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है, स्पीड है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छा है, बॉडी कंपोजिशन अच्छा है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है, तो एक स्थान पर ही दौड़ रहे हैं तो 550 कैलोरी खपत होगी, 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा व्यय होगा, तो 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग कर रहे हैं तो 4000 से 5000 कैलोरी बर्न होगा, खपत होगा। नेक्स्ट है 4 मील प्रति घंटा की दर से चलने पर वॉकिंग करने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा खपत होगी, तो 2500 से 3000 कैलोरी। नेक्स्ट है वह कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ होता है, तो मॉर्निंग टाइम जो है सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। फिजिकल फिटनेस से कुछ थियरीज यानी कि लोगों के कहे हुए बात हैं, देखते हैं। शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को सक्षमता से समृद्ध करता है जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके या थकान के साथ संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह कथन फिजिकल फिटनेस की बात किसने कहा है, तो निक्सन ने कहा है कि डेली रूटीन वर्क
वर्क विदाउट एनी फटीग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, फिजिकल फिटनेस से कौन कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन आता है। नेक्स्ट है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ये सब किसके घटक है? तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के घटक हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोटर स्किल्स यानी गामक कौशल संबंधी सारे स्वास्थ्य यानी कि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अवयव कितने हैं? तो 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 आपका, बट 5 ही दिया हुआ है ऑथेंटिक रूप से, और बुक्स में आप देखेंगे तो 5 ही दिया गया है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है गति एवं शक्ति, स्पीड एंड पावर, चपलता एवं तालमेल, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, सहनशीलता एवं संतुलन यानी एंड्योरेंस एंड बैलेंस, ये सभी किसके घटक हैं? तो ये सभी के सभी हैं मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के घटक हैं। संतुलन को भी काउंट किया है उसमें, ठीक है, जैसे कि हमने बताया मोटर स्किल में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, तो उसमें संतुलन को काउंट करके 6 कर दिया है। नेक्स्ट है किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने के अवयव को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है उसे एजिलिटी यानी चपलता कहते हैं, जैसे जिग-जैग पोजीशन में दौड़ना, सटल रन करना। नेक्स्ट, वह क्षमता जो मानव शरीर के साम्यावस्था यानी कि संतुलन बनाए रखने को स्थिर या चलायमान स्थिति में बनाए रखता है, यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक पोजीशन में बनाए रखता है, उसे हम संतुलन कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्टेट में। नेक्स्ट है मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को बावजूद लंबे समय तक किया जाता है, यानी किसी कार्य यहाँ पे छूट गया है कि मांसपेशी को क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान के बावजूद, थकान शब्द आते ही सहनशीलता शब्द आ जाएगा, मांसपेशियों की बात है तो मांसपेशी सहन क्षमता होगी, ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, तो प्रतिरोध शब्द आते ही शक्ति शब्द यानी स्ट्रेंथ शब्द आ जाएगा, तो मांसपेशी के साथ होगा, तो यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशी ताकत राइट होगा। नेक्स्ट है हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं उसे कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बोला जाता है, ये अधिक समय की क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की वसा युक्त मात्रा तथा बिना वसा युक्त मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसे बॉडी कंपोजिशन बोला जाता है, लीन बॉडी मास तथा फैट बॉडी मास, शरीर संरचना के दो भागों में बांटा गया है, लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास। नेक्स्ट है वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर से मापी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, क्या क्वेश्चन था अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से वसा को मापने वाले यंत्र नहीं है, तो उसमें स्किन फोल्ड कैलिपर, BMI बॉडी मास इंडेक्स एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दिया हुआ था, जबकि तीनों था तो उसमें आपका एक से अधिक राइट था, इसमें से कोई नहीं राइट था, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी कौन कौन वसा की माप करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? तो पैर व कमर की ताकत यानी स्ट्रेंथ की बात आ गया तो डायनेमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है? तो ब्लड प्रेशर को स्फीनोमैनोमीटर से मापा जाता है, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट है
उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है दोस्तों, तो उसे हम लोकोमोटर एबिलिटी यानी कि प्रचलन योग्यता कहते हैं, या स्पीड का प्रकार है। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम गति को लंबे समय तक बनाए रखना जैसे 100, 200, 400 मीटर में होता है उसे कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट है लघु एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सहनशीलता वाले क्रियाओं में होता है। तो दोस्तों लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने समय का होता है, तो लघु एरोबिक व्यायाम 2 से 8 मिनट का, मध्यम एरोबिक व्यायाम 8 से 30 मिनट का, एंड दीर्घ एरोबिक व्यायाम 60 मिनट का होता है। यानी कि लघु मध्य दीर्घ एरोबिक व्यायाम 2 से 8 मिनट लघु, 8 से 30 मिनट मध्यम एरोबिक व्यायाम, एंड दीर्घ एरोबिक व्यायाम कम से कम 60 मिनट का होता है। वहीं पे आपका अनएरोबिक की बात करेगा तो अनएरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एटीपी और सीपी प्रणाली से ऊर्जा बनता है, जबकि एरोबिक यानी सहनशीलता में जो हमारे शरीर में फैट स्टोर होता है उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो लघु अनएरोबिक व्यायाम में कितना लघु अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है, तो दोस्तों 25 सेकेंड से कम का होता है लघु अनएरोबिक व्यायाम, और मध्यम अनएरोबिक व्यायाम जो है कम से कम 25 से 60 सेकेंड का होता है, एंड दीर्घ अनएरोबिक व्यायाम कम से कम 60 से 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट तक का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एनएरोबिक और एरोबिक दोनों चीजें, यानी कि 60 से 120 सेकेंड का दीर्घ अनएरोबिक व्यायाम होता है, यानी कि 2 मिनट तक की क्रियाएं अनएरोबिक में काउंट हो जाएंगी और उससे आगे सब एरोबिक में काउंट होंगी। नेक्स्ट है वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार, वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती है कम गति से, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे जॉगिंग, तैराकी, पैदल चाल आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली क्षमता को हम कहते हैं बुनियादी सहनशीलता यानी बेसिक एंड्योरेंस। जैसे कि जो सहनशीलता होता है वह सहनशीलता दो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, सहनशीलता जो है एक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी खेलों की प्रकृति के आधार पर अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पर सहनशीलता तीन प्रकार की होती है, बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक। जबकि अवधि के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के आधार पर सहनशीलता चार प्रकार की होती है, स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस, लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। नेक्स्ट है खेल की प्रकृति के आधार पर अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जहां पे खेल शब्द आ जाए दोस्तों तो वहां पे विशिष्ट शब्द आ जाएगा, तो वह विशिष्ट सहनशीलता यानी कि स्पेसिफिक एंड्योरेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक मेथड, आइसोमेट्रिक मेथड एंड स्टैटिक मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है, तो यह अधिकतम ताकत यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को विकसित करता है। इस स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। नेक्स्ट है विशिष्ट एवं प्रतियोगी व्यायाम, स्पेशल एंड कॉम्पिटेटिव एक्सरसाइज तथा गहन अंतराल विधि, इंटेंसिव इंटरवल मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है, ये सभी विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है, तो उसे सर्किट ट्रेनिंग यानी कि परिधि प्रशिक्षण कहते हैं, जो 1957 में इसको खोजा था एडमसन मॉर्गन ने। किसने खोजा था, एडमसन मॉर्गन ने 1957 में खोजा था। सर्किट ट्रेनिंग जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है। यह एक गोलाकार सर्कल में 10 से 12 ठहराव यानी स्टेशन होते हैं, और प्रत्येक ठहराव यानी स्टेशन पर खिलाड़ी अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों स्पोर्ट ट्रेनिंग का तीन वीडियो
यानी ये तीसरा पार्ट है, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो होगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी खेल प्रबंधन से रिलेटेड, यानी शारीरिक शिक्षा में प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।